आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। आज हमारे यूट्यूब स्टूडियो में सीए राजेंद्र शाह जी, जो कि एक मोटिवेशनल ट्रेनर है और एक बिजनेस कोच है। सर, आज आपको बुलाया एक अलग विषय पर डिस्कशन करने के लिए। आज जो बात करेंगे जीएसटी इनकम टैक्स की नहीं करेंगे, आज बात करेंगे पर्सनल ग्रोथ की, आज बात करेंगे सर बिजनेस ग्रोथ की, कि हम अपनी पर्सनल ग्रोथ कैसे करें, हम अपने बिजनेस को कैसे आगे लेकर जाएं। ठीक है सर, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि भाई पूरा दिन ITR भरते रहो, पूरा दिन GST की रिटर्न भरते रहो, उसी से ग्रोथ मिलेगी। लेकिन आप क्या मानते हैं, क्या बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए, क्या प्रोफेशन में ग्रोथ करने के लिए, क्या खुद पर ग्रोथ लाना जरूरी है या नहीं है, क्या अपने माइंड को शार्प करना जरूरी है या नहीं है, क्या अपने आप को किसी स्पोर्ट्स में एक्टिव करना जरूरी है या नहीं है, क्या हमारा जो वर्ल्ड टूर करना या वर्ल्ड टूर ना कर पाए कम से कम देश भ्रमण करना, क्या ये जरूरी है या नहीं है, क्या बाकी सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना जरूरी है या नहीं है, और अगर जरूरी है तो कितना है, ये सारे सवालों के जवाब सर हमारे सब्सक्राइबर को दीजिए। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कपिल जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया और इतने अच्छे टॉपिक पे आप मुझे इनवाइट किया। मुझे एक बड़ा अच्छी बात याद आ गई कि मैं कभी हमेशा कहता हूँ कि अगर गॉड किसी दिन अगर हमें से पूछते हैं कि तूने इस जीवन में क्या किया, राइट तो हम बड़ा प्राउडली कहेंगे कि 25 साल तक मैंने CA की तैयारी किया था और 25 के बाद मैंने 50 तक मर के मेहनत किया था और उसके बाद मर गए। तो आई डोंट थिंक दिस इज द पर्पस ऑफ लाइफ, ऐसा तो नहीं सोचा था। तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि अगर यही करना था तो फिर तो कुछ गड़बड़ है। शायद गॉड का ये भी लगा कि तुम जाओ और बड़ा कम समय तुम्हें मिला है, उस जीवन को ढंग से जी के आना। बिल्कुल ठीक, आनंद से जी के आना, खुश होकर जीना, क्योंकि कहीं पे ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ तुम आए और काम करने के लिए जीवन बना है। मैं बच्चे बचपन में था ना, तो मैं एक बार टीचर से सवाल पूछा था कि सर एक बात बताओ, आप जिंदा हो इस बात का सबूत क्या है? मतलब सिर्फ सांस लेना तो कोई सबूत नहीं होता ना, वो तो नेचर ने आपको दिया है, वो तो बाय डिफॉल्ट आप बॉडी आपका बढ़ रहा है, तो इसमें आपका कौन सा टैलेंट हो गया? तो ऐसे जीवन सिर्फ चल रहा है तो इसमें आपका टैलेंट तो नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक, जीवन को आप जी रहे हैं तो शायद आप में कुछ, आपने कुछ निकाला है इस जीवन से। बिल्कुल ठीक, सपोज कोई लड़की है, उसको सुंदरता मिल गया तो उसमें उसका टैलेंट कौन सा हुआ? बाय बर्थ मिल गया ना। कोई लड़का, उसका ब्रेन बहुत तेज मिल गया और वो रैंक ला गया, तो उसमें उसका टैलेंट कौन सा हुआ? आप जीवन को कैसे कस्टमाइज करते हैं, आप जब कुछ करते हैं ना आपको सेटिस्फेक्शन आती है, आपको फुलफिलमेंट आती है, इसीलिए हम वो काम में ज्यादा पसंद करते हैं जो हमारे दिल के पास होते हैं। ठीक है, और आई एम श्योर अभी बहुत कुछ कर रहे हैं, मुझे पता चला है कि आप अभी बहुत नए नए इनिशिएटिव लिए आपने, स्कूल, चेस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और इतने अलग अलग तरह की चीज़ें का लाइब्रेरी खोल रहे हैं आप। तो आई डोंट थिंक कि सिर्फ काम ही हमारा, काम एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, बट काम ही कंप्लीट से हमारा CA में बहुत अच्छा काम है कि CA इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट अ कंप्लीट लाइफ। बिल्कुल ठीक, तो अब इसका मतलब ये चीज़ आप समझिए नहीं, अब जैसे जुलाई का महीना आ रहा है, ठीक है जुलाई का महीना है तो उसमें तो GST की तो रिटर्न हम भरेंगे नहीं, ITR की रिटर्नों का काम होगा, तो हम कैसे समय निकालें और किस चीज़ के लिए समय निकालें और क्यों निकालें, क्या फ़ायदा होगा? मुझे तो लगता है कि अगर बढ़िया से काम कर लिया तो 10-20 ITR फालतू आ जाएंगे और इनकम हो जाएगी, तो इसमें जुलाई में समय निकालें या जुलाई से पहले निकालें या जुलाई के बाद निकालें या पूरे साल में अपना फिक्स कर ले कि हाँ भाई ऐसे समय निकालना है, स्पेशली समय ना निकाले, जब भी मौका लगे तभी समय निकाल ले, कैसे करना चाहिए? कपिल जी, इट्स नॉट अबाउट बीइंग एक्टिव, राइट, इट्स मोर अबाउट बीइंग प्रोडक्टिव, राइट। हम मोस्ट ऑफ लोग क्या ना अपने आप को सिर्फ बिजी रखने में लगे, और बिजी रहने से क्या होता है कि शरीर में थकावट होती है, शरीर की ना कैपेसिटी होती है, आपको लिमिटेड एनर्जी मिलता है दिन में, और मोस्ट ऑफ टाइम हम अपने आप को थका रहे हैं, हम अपने को बिजी कर रहे हैं, इंगेज कर रहे हैं, ज़्यादा इंगेज करना भी अच्छी बात नहीं होती, पता चला कि आप जिंदगी भर इंगेज ही रह गए और कुछ निकला ही नहीं लाइफ से। तो मोस्ट ऑफ टाइम जो हमारे प्रोफेशनल लोग हैं और जो मैं उसको देखता हूँ, उसका जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो अपने आप को ऑपरेशन से बाहर नहीं निकाल पाते। हाँ, मतलब कि अगर 3B भरनी है, ITR भरनी है तो खुद ही भरेंगे, आर्टिकल ने बना दी, ऑफिस स्टाफ ने बना दी, सबमिट खुद ही करेंगे। हमारी एक प्रॉब्लम और होती है, हम समय के साथ चीज़ों को हम किसी से करवाना नहीं सीखते, राइट। हम क्या कि हम आर्टिकल सीख करके आते हैं, हम बहुत काम सीख करके आते हैं, तो हमारे अंदर ना वो एक वो होते हैं कि हम अपने खुद ही इन्वॉल्व होंगे,
दिस इज अ प्रॉब्लम. नहीं, इसमें ना एक इशू और होता है. देखो, अब कई लोगों को लगता होगा कि किसी और से काम कराएंगे तो वो गलत करेगा. एग्जैक्टली. और वो जितनी देर में वो काम करेगा उतनी उससे हम आधे समय में खुद कर देंगे. राइट. लेकिन अब आप समझो, अगर आप आधे समय में भी कुछ काम कर दोगे, ये बिल्कुल बात सही है, और सही भी कर दोगे, लेकिन कितना कर लोगे? सही बात है. कई लोग मुझे कहते हैं कि सर आप चेस ट्रेनर बन सकते हो, अच्छा सिखा देते हो कई बार. लेकिन मैं उनसे बोलता हूँ कि अगर मैं खुद ही जाके चेस सिखाऊंगा या खुद ही जाके मैं अकाउंटिंग करूंगा तो मैं कैसे करूंगा? अभी कल मैंने किसी का नोटिस का रिप्लाई बना के दिया, टीम ने बना कर दिया, तो वो क्लाइंट गुस्सा हो गया, कह रहा यार ये कैसा रिप्लाई बनाया है, मज़ा ही नहीं आया. मैंने उससे बात करी, भाई बता क्या दिक्कत है, मज़ा बता तेरे को क्यों नहीं आया. ठीक है, उसने कहा ये डालो. तो मैंने टीम को बोला भाई ये डाल दो. लेकिन अब आप ये सोचो, उस नोटिस का रिप्लाई अगर मैं ही बना के दूंगा तो कितना देंगे? तो पहले ये चीज़ आप मान लो, ये जो वैशाली काम करेगी, युगल काम करेगा, कोई भी जो आपके ऑफिस में स्टाफ है वो परफेक्ट नहीं करेगा. अगर वो परफेक्ट होता तो आप में और उसमें अंतर क्या हो जाता? लेकिन आप ये भी मान लो कि आप सारा काम नहीं कर सकते, आपको थोड़ा थोड़ा इम्परफेक्ट 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 लेकर एक दिन वो परफेक्ट बनेगा. तो आप अपने काम को थोड़ा छोड़ना शुरू करो. ठीक है ना, कि अपनी टीम पर. अब कई लोगों का ये होता है ये क्लाइंट ही लेके भग जाएगा. अरे भग जाएगा, भग जाने तो यार. ठीक है, तो ये आपका डर है सर जी, ये आपका फियर है. आपको एक समय के बाद अपना एक टीम बिल्ड करना ही होता है. आज कपिल जैन के पास इतना बड़ा टीम है, कपिल जैन चाहे तो सारा काम खुद कर सकता है, ऐसी बात नहीं है. बट वो क्या उतना इक्वल में कर सकते हैं? 50 लोगों का काम कैसे कपिल जैन एक साथ में कर लेगा? 100 लोगों का काम कैसे एक साथ कर सकता है? नहीं कर सकता. तो अगर आप सही में बड़ा सपना देखते हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, एक बिजनेस बनना चाहते हैं, तो आपको लोगों का टाइम लेना ही पड़ेगा, लोगों का एफर्ट, लोगों का ब्रेन, लोगों का एनर्जी लेना पड़ेगा. और हम प्रोफेशनल लोग इसमें हम कमी खाते हैं, हम इसमें हमारा प्रॉब्लम है. हम ऑपरेशन से बाहर नहीं निकाल पाते, हम टीम को बिल्ड नहीं कर पाते, हम मार्केटिंग में फोकस नहीं कर पाते, हमें नेटवर्किंग का मतलब पता नहीं होता, हम इनोवेशन की तरफ नहीं आगे बढ़ पाते, हम और वेंचर स्टार्ट नहीं कर पाते. तो दिस इज़ अ इशू, दैट्स वाई हम हमारा पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मैसअप हो रहा होता है. ना हम इधर के होते हैं, ना हम उधर के, घर में होते हैं तो ऑफिस की याद आ रही होती है, और ऑफिस में होते हैं तो बीबी की याद आ रही होती है, और दोनों में फंसे रहे होते हैं, ना इधर का ना उधर का. तो अच्छा, आप अब ये बताइए कि कौन सा स्पोर्ट एक प्रोफेशनल को करना चाहिए? सर ऐसे स्पोर्ट्स तो बहुत सारा है. मैंने अपने पर्सनल लाइफ में बहुत, मैं स्पोर्ट्स को रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैंने जीवन में बहुत गेम खेला हुआ है, और इसलिए मुझे पता चला कि आपने भी 2-3 गेम स्टार्ट किया है, दैट इज एक वन टेबल टेनिस. हाँ. और आपने एक चेस स्टार्ट किया है. बिल्कुल. मुझे जो पर्सनली लगता है, हर बच्चे को एक गेम का, जो अगर मेंटल गेम की मैं सजेस्ट करूँ, दैट इज कि चेस इज द वन ऑफ द टॉप गेम आप मेंटल फिजिकल के लिए, हेल्थ के लिए. हाँ. और फिजिकल के लिए आपको जो आपको अरेंजमेंट हो जाए वो करें. नहीं, मैंने ये सुना है कि अगर आप चेस खेलते हैं तो उससे आपका मेंटल एक तो टैलेंट बढ़ता ही बढ़ता है, एक आपको पेशेंस भी आता है. Exactly. ठीक है, आप धैर्यवान होने लग जाते हो, क्योंकि उसमें गेम 2-2 घंटे तक चलता है. Exactly. ठीक है, तो धैर्यवान होने लग जाते हो, उसके बाद आप योजना बनाने लग जाते हो अपने फ्यूचर्स को लेकर. ठीक है, क्या स्ट्रेटेजी बनानी है किसके लिए. तो ये वाला एक गेम आप प्रोफेशनली मैं सजेस्ट करता हूँ. हालांकि सर हमने ना इस पे वेबिनार भी रखा है, अगर कोई व्यक्ति इस वेबिनार को ज्वाइन करना चाहे तो हमारी टीम से कॉन्टेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं. और सर एक दूसरा जो घूमने फिरने का है, अभी मैं एक की स्टोरी पढ़ रहा था कि एक व्यक्ति ने, ठीक है ना, रॉबर्ट टी कियोसाकी को लेटर लिखा. जरा इसे ध्यान से समझिएगा, रॉबर्ट टी कियोसाकी को लेटर लिखा कि भाई मैंने अपना सब कुछ भेज दिया, 2 करोड़ रुपए मेरे पे, क्या करूँ? तो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने उसे रिप्लाई दिया कि भाई तू ऐसा कर, पूरा विदेश भ्रमण करिया, विश्व भ्रमण करिया. उसने कहा यार पता नहीं क्या आंसर दिया रॉबर्ट टी कियोसाकी. उसने दोबारा लेटर लिखा, और दोबारा लेटर लिखा तो उसने फिर यही रिप्लाई आया कि तू अपना सब कुछ भेज दिया तो तू एक बार विदेश भ्रमण करिया. वो व्यक्ति ने कहा कि भाई अब दूसरी बार तो ठीक ही दिया होगा इसने. वो व्यक्ति ने क्या करा, उठा और पूरा विदेश घूम कर आ गया. ठीक है, पता कौन था वो? अभी ओयो का जो फाउंडर है वो था अग्रवाल जी. ठीक है ना, तो मुद्दा ये है कि अगर आप घूमना शुरू कर दो अपने जीवन में थोड़ा बहुत. ठीक है ना, ये नहीं कि अब 6-6 महीने काम पे ही नहीं आ रहे. ठीक है ना, हाँ, लेकिन साल में 1-2 बार जब भी मौका मिले, जब भी कोई आपको जा रहा है लेके, कहीं इवेंट्स हो रही है, कहीं भी कुछ हो रहा है, तो आप थोड़ा सा घूमना शुरू कर दें, उससे आपकी ग्रोथ होती है. इसमें आपका क्या मानना है? देखिए सर, लर्निंग इज द की ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ, मानते हैं जी जी. अगर जीवन में सीखना बंद तो जीतना बंद. अब हमें जानना पड़ेगा कि सीखने के कितने माध्यम है, कितने तरीका है. जैसे हो सकता है कि आप एक पर्सनल कोच रख ले, तो बहुत एक्सपेंसिव भी हो सकता है, शायद आप हायर नहीं कर सके. हो सकता है कि आप बहुत एक्सपेंसिव और महंगे प्रोग्राम अटेंड करें, बड़े बड़े फैकल्टी के, बड़े बड़े ट्रेनर का, वो भी आपके लिए महंगा हो सकता है.
हो सकता है बहुत किताब पढ़े, अगर आपका नेचर हाँ किताब पढ़ने का है, आप डूबने का है तो पढ़े, हो सकता है बहुत सारा आप कोर्स करें वो भी तरीका है, बट सबसे इंटरेस्टिंग और अच्छे जो तरीका माना जाता है दैट इज ट्रैवलिंग होता है। ट्रैवलिंग करते करते ना कई बार आपको अपनी आइडेंटिटी समझ में आती है, बिल्कुल, आपको अपना पैशन समझ में आता है, आपको जीवन का अपना पर्पस समझ में आता है, तो इतनी अच्छी चीज है जो आप अपने देश में देख ले, अपने देश का अगर टॉप 10 स्टार्टअप उठाइए आप, चाहे आप फ्लिपकार्ट को उठाइए, चाहे आप ओला को उठाइए, चाहे कपिल शर्मा के शो उठाइए, चाहे कोई उठाइए, ये सब क्या है, एज इट इज कॉपी है। बिल्कुल, अगर वो पर्सन फॉरन नहीं गए होते, उसको पता नहीं होता कि उधर उबर चलता है, तो वो ओला कैसे खोलता है यहाँ पे। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ जीवन में कामयाब होने के लिए और आगे बढ़ने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है सर, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो अच्छी चीजों को, अच्छी चीज को कॉपी कर लो, जैसे कपिल जैन हमेशा अच्छे प्रोग्राम से कुछ कॉपी कर लेते हैं। बिल्कुल, सो दिस इज वेरी शॉर्ट कट, और ट्रैवलिंग उसमें बहुत इफेक्टिव होता है सर। तो ट्रैवलिंग करके हमें कॉपी कर लेना चाहिए अच्छी चीजों को, क्या कोई कहेगा तो कॉपी कर लिया क्या हो गया, अच्छी चीज है कॉपी कर ली, ठीक है। तो अच्छा, तो अब हमारे को अगर हम इस वीडियो को हम समराइज करें तो एक पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए हमारे को थोड़ा घूमना फिरना चाहिए, किसी गेम में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, चाहे चेस हो गया, चाहे टेबल टेनिस हो गया, किताबें पढ़नी चाहिए और थोड़ा सा अपनी टीम को काम देना चाहिए, अपने आप को ऑपरेशन से बाहर निकालना चाहिए। इसमें सर कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं या हम वीडियो क्लोज कर सकते हैं? इसमें ऐड ऑन कर सकता है, और लास्ट में ये मत भूलिए कि जीवन एक ही मिला है, राइट, और ये जीवन कितना लंबा चलेगा वही पता नहीं, कोविड ने हमें एहसास करवा दिया था कि हमारा जो नेक्स्ट मोमेंट है कभी भी आ सकता है, लास्ट का मोमेंट, तो जीवन को पहले ही जीना शुरू करें, और आप जितना जियेंगे उतना आपको समझ में आएगा कि मेरा काम भी बढ़ रहा है, मैं बड़ा हो रहा हूँ। नहीं, कई लोगों को ये लगता है कि अभी तो क्या है कि चलो बच्चों के बारे में सोचते हैं, ठीक है, फिर 50 साल बाद जिएंगे, तुम जी नहीं पाओगे 50 साल बाद, 50 साल के किसी व्यक्ति को ले जाओ वाटर पार्क में, वो क्या करेगा, बस जाके पानी में बैठ जाएगा, छप छप करता रहेगा, उससे कहो कोई राइड कर ले, कहेगा नहीं मैं नहीं करूँगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। तो कई बार क्या होता है ना कि जब आप जीवन जीने की सोचोगे तो हो सकता है तुम पे पैसा होगा, तुम पे टाइम होगा, लेकिन तुम्हारा शरीर नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगा। तो इसलिए अब मैं ये नहीं कह रहा कि सब छोड़ के जीवन जीना ही शुरू कर दो, पता चले कर्जे वाले कर्जा मांग रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना, लेकिन हाँ अपनी अर्निंग में से कुछ पैसा जीने पर लगाना है, अपनी नॉलेज पर लगाना है, अपने जीने पर लगाना है। जी सर, लास्ट में सर मैं कहना चाहूँगा कि जीवन को बैलेंस करके चले, हमारा बड़ा अच्छा कंसेप्ट है कि वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर, और हम बहुत बार जीवन के अलग अलग पहलू होते हैं, जैसे सपोज आपका एक पहलू है रिलेशनशिप, एक पहलू आपका हेल्थ, एक पहलू आपका काम, एक पहलू आपका फ्रेंड, एक पहलू आपका समाज के प्रति दायित्व, तो कई बॉल ऐसे हैं, जैसे आपका काम अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो आप उसको संभाल सकते हैं, राइट, बट कई ऐसे बॉल है, जैसे सपोज आपका हेल्थ है, सपोज आपका रिलेशन है, एक बार खराब हो गया तो उसको बिल्ड करने में बहुत वक्त लगता है, ऑलमोस्ट कहते हैं गांठ बन जाती है, तो ऐसे बॉल को संभाल के रखे, यही लोग आपके काम आते हैं, असली हैप्पीनेस का मीनिंग समझे, क्योंकि काम में असली हैप्पीनेस, काम के बाद जो आउटपुट मिलता है उसमें हैप्पीनेस होता है, तो अपने जीवन का असली मीनिंग समझे, और आप जितना अपने जीवन को समझते जाएंगे उतना आपको समझ में आएंगे कि जीवन क्या था और मुझे कैसे जीना था, ये था और मैं कैसे जी रहा हूँ। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि ये टॉपिक से हटकर वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आप इस तरह की वीडियो सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, और मैं एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा राजेंद्र शाह जी का, जो उन्होंने समय निकाला और हमारे यूट्यूब चैनल पर आए। राजेंद्र जी धन्यवाद। चलो, थैंक यू कपिल जी, थैंक यू सो मच।